नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग चालू है और लगातार बच्चे सेफ जोन के डिमांड कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपको मेरी एनालिसिस, मेरा सारा जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ डेटा कलेक्ट करने में, क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप उन सब पे बहुत विश्वास करते हो, अपना ढेर सारा प्यार देते हो और अपना एक विश्वास जताते हो, इस सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत बेहतर पद जो लेवल 3 का पद है और यह अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का सबसे बेहतर पद जो है, बोल सकते हो सबसे ज़्यादा कमाई वाला पद है, सबसे ज़्यादा बोल सकते हो रेपुटेटेड पद है इस कैटेगरी में। अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में सबसे ज्यादा रेपुटेशन इसी पद का है और सबसे ज्यादा बच्चे इसी पद के लिए क्या करेंगे, सबसे ज्यादा होड़ रहेगी। लेकिन जब किसी पद की होड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, दूसरी बात इस बार लेवल 2 लेवल 3 का पेपर बिल्कुल अलग होगा, तो कट ऑफ इसकी क्या आसमान छूने वाली है, तो कहां से हम लोग ऐसा जोन चूज करें जहां पे थोड़ा सा कमे रिलैक्सेशन मिल जाए। हालांकि एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा बच्चों, वैकेंसी इतना कम है कि कुछ भी कहना ठीक नहीं है, कुछ भी कहना सही नहीं है और कुछ भी कहना सटीकता की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी एक बेहतर एनालिसिस क्या हो सकती है, इन तमाम में क्या साइकोलॉजी बच्चों की काम करेगी, कहां पे फॉर्म ज्यादा पड़ेंगे और क्या बेहतर हो सकता है, इन सबको मैं एक बेहतर आपको एक आइडिया देता हूं। तो पूरी वीडियो देखेंगे आपको सारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप तैयारी कर रहे हैं। टीम परीक्षा प्लस एक बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करा रही है, मात्र 199 में सब कुछ, चाहे आप ग्रेजुएशन पोस्ट का करेंगे चाहे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों कवर हो जाएगा। CBT 1 CBT 2 कवर हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज कवर हो जाएगा और सारी वो चीजें जो आपको 1200-1600 के बैच में मिलता है वो आपको यहां पे मात्र 199 मिल जाएगा। और ज्यादा बेहतर क्वालिटी, न्यूनतम प्राइस, उच्चतम गुणवत्ता परीक्षा प्लस का एक उद्देश्य ही है। हालांकि आते हैं हम लोग बात करते हैं कि ये मैंने आपको यहां पे इस थंबनेल को देखा होगा तो दो आइडिया आपने लगाया होगा। एक तो ये पोस्ट मैंने लड़की की यहां पे फोटो लगाई है, इसका मतलब ये पोस्ट लड़कियों के लिए बहुत बेहतर है। दूसरी चीज इसमें भौकाल भी है, भौकाल इसलिए है क्योंकि आपको इसमें अलग से ड्रेस मिलता है और लोग डरते हैं, हाँ लोग डरते हैं कहीं पकड़े गए तो टीटी साहब सारा पैसा वसूल लेंगे, इसलिए डरते हैं। तो भौकाल भी है और ऊपरी आपकी क्या है कमाई भी। एक बेस्ट एनालिसिस हम लोग पूरा पोस्ट प्रेफरेंस सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। आपका 6/2024 नोटिफिकेशन है, फॉर्म आपका चालू है, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर देना। लेकिन सबसे पहले मैं इस पद की बात कर रहा हूँ, चार पोस्ट आए हैं, सभी के लिए CBT जो आपके होने हैं इसकी तैयारी परीक्षा प्लस करवा रही है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जरूरी है क्या कि सैलरी देख लो भैया, ग्रॉस सैलरी 44,095 जून 2024 की सैलरी स्लिप है। मैं इसीलिए सारी चीजें आपको साक्ष्य के साथ लाता हूं कि ये जून 2024 आप देखोगे ये आपकी सैलरी स्लिप है, ग्रॉस सैलरी 44,000 और अगर आप देखोगे कटने पिटने के बाद भी नेट पे जो है आपका 40,000, तो ये बहुत अच्छी है। इनिशियल जब आप ज्वाइन करते हो तो भी आपको 37-38,000 मिल जाता है, हालांकि सिटीज पे डिपेंड करता है, तो वो सारी चीजें हम लोग जिक्र कर रहे आते हैं। सबसे पहले कौन इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप 12वीं पास होने चाहिए या फिर उसके ऊपर का लेवल 3 की जॉब है, बेसिक पे ये है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है जिसमें आपको फिजिकली फिट होना है। हालांकि WBD के यहाँ पे पोस्ट है, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो वो नहीं भर सकता, वो भर सकता है, इनके पोस्ट होते हैं। डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 होना चाहिए। B2 थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है क्योंकि यहाँ पे विद और विदाउट ग्लास कहते हैं, अगर आंखें का पावर थोड़ी है तो चश्मा लगा के आपको दिखाई देता है तो आप एक्सेप्टेबल हो, वो भी 4 डायोप्टर तक का। नियर विजन 0.6 0.6 विद और विदाउट ग्लास है। बाकी इसमें क्या होना चाहिए, कोई कलर विजन टेस्ट नहीं होता, कोई आपका क्या है कि अगर आपको कलर विजन है तो आप यहां पे कलर विजन टेस्ट नहीं होता है, कलर ब्लाइंडनेस है तो आप भर सकते हो। बाइनोकुलर विजन वगैरह यहां पे चेक होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आंखें थोड़ी टेढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। आते हैं हम लोग बात करते हैं कि इसकी संपूर्ण पोस्ट प्रोफाइल पे, तो इसकी पोस्टिंग सबसे पहले देख लेते हैं कहां पे होता है पोस्टिंग। ये पद जो है आपके दो जगह मेनली होते हैं, एक आपका स्टेशन पे होता है, एक आपका DRM ऑफिस पे होता है। स्टेशन पे होता है तो आप टिकट क्लर्क की तरह या फिर आप जो ट्रेन एग्जामिनर होता है, टिकट एग्जामिनर होता है उसकी तरह, या ट्रेन टिकट एग्जामिनर है जो ट्रेवलिंग जॉब होती है जिसमें खूब पैसा है, सबसे बेहतर आपका यही पोस्ट होता है, या फिर ECRC होता है। ECRC आपके जो पद होते हैं, ये पद आपके बोल सकते हो कि जो विंडो होते हैं, रिजर्वेशन काउंटर होता है, उस पे आपका पद होता है, और यहां पे एक होता है आपका CC होता है। DRM ऑफिस में आप कमर्शियल क्लर्क की तरह होगे और इसकी जॉब मंडे टू फ्राइडे होती है, यानी कि सैटरडे और संडे आपको छुट्टी मिलता है। बाकी जो जॉब आपकी है ये 6-8 6 दिन की जॉब होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, इसमें शिफ्ट जॉब भी है,
सारे नहीं, जैसे अगर आप यहाँ पे डीआरएम ऑफिस में हो तो आपका शिफ्ट जॉब नहीं होगा, अगर आप कहां पे हो, अगर आप सीआरसी में हो, ईसीआरसी में हो, तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे शिफ्ट जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे हो, जैसे टीसी हो गया या फिर टीटी हो गया, तो इनमें शिफ्ट जॉब आपकी लग सकती है, और 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6, मतलब सुबह 6 से 2 वाली लग सकती है, या दोपहर 2 को रात के 10 से लग सकती है, या रात के 10 से सुबह 6 की लग सकती है, हालांकि इसका आपको पैसा भी मिलता है। पीआरसी इसमें क्या है, पीआरसी सबसे बढ़िया है, यहां पे आप बोल सकते हो कि जो पर्सन रिजर्वेशन काउंटर होता है या पर्सन रिलेशन काउंटर होता है, जिसे आप लोग आज के समय में सीआरए भी बोलते हो, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंस जिसे बोलते हैं, तो पीआरसी बढ़िया जॉब है। यहां पे आपको ज्यादा नहीं, बस इंक्वायरी जो कोई पूछताछ करता है उसको बताना रहता है। फिक्स्ड जॉब है आपका, क्या है, 8 घंटे की जॉब है, कोई शिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बेहतर जॉब है आपके। और महिलाओं के लिए भी पीआरसी बहुत बढ़िया है, लड़कों के लिए भी पीआरसी जॉब बहुत बढ़िया है। फिक्स्ड टाइम होता है इसका, ये बेनिफिट होता है। इसमें अगर मैं आपकी बात करूं प्रमोशन की, तो प्रमोशन एक बार आप देख लो कि किस प्रकार से इसमें प्रमोशन होते हैं। तो प्रमोशन की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा इसमें प्रमोशन है, यानी कि आप इस जॉब में आने के बाद भी आगे के पदों पर बढ़िया प्रमोशन कर सकते हो। आप सबसे पहले सीसीटीसी के पद पर आओगे, उसके बाद आपका पहला प्रमोशन लगभग 3 साल बाद सीनियर सीसी टीसी का होगा। सीनियर सीसीटीसी मतलब कॉमर्शियल कम टिकट क्लास सीनियर का, उसके बाद चीफ कॉमर्शियल कम, ये 4200 ग्रेड पे इसका लेवल 5 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है और आप इसे प्रमोशन करके जाओगे। उसके बाद आप आओगे 4600 ग्रेड पे, और यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका चीफ कॉमर्शियल क्लर्क होगा, या यहां पे आओगे सीएस, ये कॉमर्शियल सुपरिंटेंडेंट इसे बोलते हैं, जिसे सीएस या सीटीआई बोलते हैं। इसके बाद के पदों पे आपको करने के लिए एग्जाम देना होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और मैक्सिमम बच्चे जो लोग होते हैं अपने पूरे कार्यकाल में 5400 ग्रेड पे तक पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर कोई 18 साल की उम्र में नौकरी पा जाता है तो वो 6600 ग्रेड पे, यानी कि आपका डीसीएम सीनियर, ये सीनियर डीसीएम तक भी क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपको मैं बता दूं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, अगर आपने इसका प्रमोशन के बारे में समझ लिए तो जॉब इनकी जो प्रोफाइल होती है, क्या काम करना होता है, थोड़ा हम लोग कम समय में देखते हैं कि इनको ऑफिशियल और फील्ड जॉब दोनों करनी होती है। टिकट चेकिंग करना होता है, स्टेशन पे करना होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेशन पे जब आप ट्रेन से उतरते हो तो जहां पे एंट्री या एग्जिट होता है वहां पे एक क्या होते हैं, साहब खड़े होते हैं और आपका टिकट चेक करते हैं कि आप टिकट लेकर ट्रेन से आए हो या बिना टिकट के ट्रेन से आए हो। तो ये आपका क्या होते हैं, ये वही होते हैं जो आपके टिकट एग्जामिनर होते हैं। टिकट चेकिंग ट्रेन टीटी होते हैं जो आपके ट्रेन में चलते रहते हैं, इनको जो आपको टिकट चेक करते हैं ये टीटी का होता है, और खूब पैसा है इन दोनों में खूब पैसा है, ऊपरी कमाई भी है, मतलब कि आप लेवल 3 पे सैलरी के अलावा भी अपने घर के खर्चे इससे निकाल सकते हो। जो आप सुनना चाहते हो वही मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद पार्सल वगैरह क्या पार्सल आ रहा है, क्या जा रहा है, इनका रिकॉर्ड भी देखना पड़ता है। पीआरसी में जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पर्सनल रिलेशन का होता है, ये बेहतर जॉब है। इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क यानी कि ईसीआरसी जो बैठे होते हैं, जो पूछे जाते हो भैया ये ट्रेन कब आएगी, तो वो यही बताते हैं, ईसीआरसी होते हैं। और इसमें सुपरविजन हो गया, रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया, और सबसे अच्छी बात है इनको यूनिफॉर्म मिलता है, काली कोट मिलती है, सफेद शर्ट मिलता है, काली पैंट मिलता है, तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म भी इनको मिलता है। आते हैं सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर में आपको बता दूं, तो सैलरी स्ट्रक्चर में आप कहां पे देखोगे, आप सीसीटीसी इस वाले को देखो, लेवल 3 है, बेसिक पे 21,700 है, 10,850 डीए 50% लगता है, एचआरए आपका लगता है एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से 30%, 20%, 10% जो आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस भी इसमें मिल जाते हैं, इसमें ट्रेवलिंग अलावेंसेस भी, कहीं आप सरकारी काम से जाते हो तो उसका भी आपको भत्ता मिलता है। इसमें कोई किलोमीटर अलावेंस नहीं है क्योंकि रनिंग जॉब नहीं है, ऐसे इसमें कोई सेल अलावेंस नहीं है। लीव अलावेंसेस इसमें आपको क्या होता है, लीव अलावेंसेस मिलता है, अगर आप छुट्टी के दिन काम करते हो तो इसमें आपको भत्ते मिलते हैं, साथ में आपको नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, और साथ में एक साल में एक बार आपको ड्रेस का अलाउंस भी 6,000 रुपए मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपका अगर ये सिटीज पे अलग अलग देखा जाए, ग्रॉस एक्स वाई जेड, यहां पे एक्स वाई जेड सिटीज में मतलब सबसे टॉप क्लास की सिटी में अगर आप होते हो, जो क्लास ए की सिटी होती है उनमें 46,000 लगभग, ऐसे अगर मैं ग्रॉस की बात करूं, ऐसे अगर आप क्लास वाई में करते हो या वाई टाइप की सिटी में आपकी जॉब है तो 42,000 और जेड में है तो 39,000, नेट पे भी आपका 42,000, 37,000 और 35,000 कम सा है। इसकी पोस्टिंग जनरली क्या होता है, एक्स और वाई सिटी में होता है, जेड में बहुत कम होता है, जिसे बहुत कम स्टेशन में, हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम जो छोटे स्टेशन होते हैं वहां पे आप देखते होंगे कि कोई टिकट एग्जामिनर खड़ा होता है विंडो पे चेक करने के लिए, बड़े स्टेशन पे खड़े होते हैं, छोटे पे नहीं खड़े होते हैं, छोटे पे क्या होता है यहां पे पोस्टिंग क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरी बात, ये जो जॉब है ये आपके चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, मतलब कि एक ही पोस्ट को सीसीटीसी को
आपको कई सारे क्या है जॉब प्रोफाइल दे दिया गया है। जैसे आप देखते हो मेट्रो वगैरह में यहाँ पे SCTO होता है कि वही स्टेशन कंट्रोलर होता है, वही ट्रेन ऑपरेटर होता है। ऐसे यहाँ पे कभी आप TT की तरह काम करोगे, कभी आप TC की तरह काम करोगे, कभी आप CC की तरह काम करोगे, कभी आप ECRC की तरह काम करोगे, तो अलग अलग तरह आप काम करते हो। और ये इसकी क्या है खूबी भी है कि एक टाइप में आप बोर नहीं होते हो, यहाँ पे आपका क्या होता है यहाँ पे शेड्यूलिंग होती रहती है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, अब आते हैं कि अगर ये पद आपको चाहिए तो आपको चुनाव बहुत अच्छा करना होगा, किसका, अपने जोन का, जिसके लिए मैंने आपके लिए बहुत बेहतर टैबुलेशन करके लाया हूं। और इस टैबुलेशन में मैंने बताया है कि कौन से जोन का किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, वो एक बार आप देख लोगे। जैसे आप देखोगे तो मुंबई में 699 वैकेंसी है टोटल, और अगर यहां पे देखोगे सीसीटीसी अगर इसका देखोगे 497, ACCT का क्या है 45 है, JCCT का आपका क्या है 147 है, और TC का आपका 10 है। हम बात करेंगे इस वाले पद के, यानी हम इस वाले लाइन की बात करेंगे। और अगर आप यहां पे आवेदन करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट सेफ जोन का आंकड़ा है यहां पे। अब भी एक चीज समझिएगा कि वैकेंसीज इतनी ज्यादा कम है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा सेफ जोन है, कौन सा हमारा रेड जोन है। क्योंकि एक बार आप वैकेंसी चार्ट पे देखोगे तो वैकेंसी चार्ट में आपका मुंबई में 497, कोलकाता में 118, प्रयागराज में 328, चंडीगढ़ में 91, और उसके बाद आप देखोगे तो एक आध ही मिलेंगे, जैसे अहमदाबाद में 155 है लेकिन टोटल पद यहां पर बहुत कम हो गए। ऐसे आप देखोगे यहां पर जम्मू श्रीनगर में 115 है लेकिन टोटल पद यहां पर भी बहुत कम हो गए। आप 107-102 देखोगे तो यहां पर भी टोटल पद बहुत कम हो गए, और यहां पे तो बात ही नहीं कर सकते, यहां पे टोटल पद बहुत ज्यादा कम है। यानी रेड जोन वाला जो मैं रेड टेबल से बनाया हूं ये तो बिल्कुल रेड है, यहां पे तो वैकेंसीज बिल्कुल हाई नहीं। और अगर आप ब्लू वाले को देखते हो तो ब्लू वाले में भी कहीं पे है तो कहीं पे बाकी वैकेंसीज नहीं है, और ब्लू वाले में कई जगह आपको देखोगे तो यहां पे 00 वैकेंसी है कुछ कैटेगरी के। तो फिर आप ऐसी जगह से फॉर्म भरो जहां पे कोई दूसरी पोस्ट हो ही ना, तो वो फॉर्म भरना भी आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा अगर ऑप्टिमाइज तरीके से देखा जाए तो जब टोटल 3400 टोटल अगर आपकी वैकेंसी की बात किया जाए तो 3445 वैकेंसी ही है, तो क्या सेफ जोन क्या रेड जोन, वहीं पे बच्चा जाएगा जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा होगा, और प्रैक्टिकली यही है भी। लेकिन ऐसे में एक साइकोलॉजी काम करेगी। साइकोलॉजी क्या काम करेगी, आप यहां पे मैप को देखोगे तो जैसे यहां पे प्रयागराज में क्या है, ठीक ठाक पद है। अगर हम प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में अगर पदों की संख्या देखोगे तो ये आपका प्रयागराज टोटल 328 पद है इस पद के लिए, और उसके बाद ओवरऑल वैकेंसीज भी यहां पे 389 है, कोई बहुत कम नहीं है, तीसरे नंबर पे है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे में अगर आप मैप पे देखोगे तो प्रयागराज के बगल में गोरखपुर, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, रांची हो गया, बिलासपुर हो गया, भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, और इवन पूरा उत्तर प्रदेश के ये पूरा जोन, तो ये पूरा जोन जो आपका है वो कहां पे आएगा, प्रयागराज में आएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो जोन है जो सबसे ज्यादा कंपटीशन देने वाला जोन होता है। रेलवे की तैयारी करने वाला बच्चा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा, कॉम्पिटिटर्स का जो बोल सकते हो हब है, वो आपका क्या होता है, यही होता है। तो ये बच्चे जो इतने रेंज में फैले हुए हैं, आज सही मायने में यही क्या देते हैं, सही मायने में यही कॉम्पिटिशन देते हैं। तो इस कारण से प्रयागराज में बहुत भर भर के फॉर्म आने वाले हैं। और दूसरी बात आप ये समझिएगा, क्योंकि यहां पर तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इस कारण से ये कट ऑफ को बहुत आसमान ले जाने, तो यहां पर प्रयागराज में ज्यादा है, बट मैंने प्रयागराज को क्या किया है, तीसरे नंबर पर रखा है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास बाकी किसी जोन में विकल्प ही नहीं है कि आप कोई और जोन सेलेक्ट कर पाओ। लेकिन अगर नंबर दो की बात करें तो नंबर दो पे मैंने क्या रखा है, नंबर दो पे मैंने कोलकाता को रखा है। अब क्योंकि प्रयागराज बाकी सर्कल को कवर कर लेगा तो कोलकाता यहां पे है, और कोलकाता में जैसे मालदा में बिल्कुल वैकेंसी नहीं, मालदा यहां पे है, मालदा पे बिल्कुल वैकेंसी नहीं है, सिलगुड़ी यहां पे भी आएंगे, भुवनेश्वर में वैकेंसी बहुत कम है। अगर भुवनेश्वर की वैकेंसी आप देखोगे तो भुवनेश्वर कहां गया है ना, भुवनेश्वर देखोगे, भुवनेश्वर काफी नीचे आ गया है, केवल 56 वैकेंसी है, और इस पोस्ट के लिए तो केवल 9 वैकेंसी है। तो भुवनेश्वर का भी बच्चा क्या होगा, भुवनेश्वर का भी बच्चा कोलकाता मूव करेगा, और यानी कि इस जोन वाले बच्चे तो कोलकाता मूव करेंगे ही करेंगे। और क्योंकि कोलकाता में मुंबई के बाद दूसरे नंबर की वैकेंसी है, इस कारण से भी बच्चा साइकोलॉजिकली मूव करेगा। पहले साइकोलॉजी ये होती थी कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे भर दो, अब साइकोलॉजी मूव कर गई है कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी है उसे छोड़ दो, आप दूसरे वाले पे भरो तो वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा। और ये हर बच्चा सोच रहा है, हर टीचर ये कह रहा है, और ऐसे में क्या हो रहा है, अब जो सेकंड जोन है, जो सेकंड हाईएस्ट है, वो रेड होता चला जा रहा है। तो आप साइकोलॉजी को समझिएगा, वैसे इतनी कम वैकेंसीज में किसी में आप डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरे अनुसार मैंने इसी कारण से मुंबई को क्या कर दिया है, नंबर एक कर दिया है। क्योंकि जब वैकेंसी इतनी कम है तो जाहिर सी बात है
कि मुंबई आपका क्या होगा, ये दूर भी है काफी, इसके लिए प्रयागराज छकाएगा, इसके लिए कोलकाता छकाएगा, यहां पे नॉर्थ जोन को चंडीगढ़, नॉर्थ जोन को चंडीगढ़ वाले बच्चे प्रेफर करेंगे, तो आपका ये वाला जो जोन है ये जोन में आपके काफी जोन भी आ जाते हैं और तैयारी करने वाले बच्चे कम होते हैं, इस कारण से मुंबई आपका क्या हो जाएगा, एक बेटर जोन हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने से ऐसा ना हो कि सारे के सारे बच्चे मुंबई भर दोगे, वरना मुंबई को भी ये हरे से कब लाल बदल जाए कुछ पता नहीं है। तो इस कारण से जो मैंने चार्ट बनाया है इसमें मैंने तीन कलर दिया है और इस तीन कलर का एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि हरा वाला जो है इसमें तो सारे लोग मूव करके आएंगे, तो जो हरा दिख रहा है ये तो आज नहीं तो कल रेड होगा ही होगा, और रेड वाला वो है जहां पे बच्चा भागना चाहेगा, जहां पे फॉर्म नहीं भरना चाहेगा। तो जो सबसे सेफ जोन आ रहा है ना, सेफ जोन आपका ये ब्लू जोन आ रहा है। तो अगर आप अपने जोन के आसपास हो, आप फॉर्म भरने चाह रहे हो और आप देखो कि आपके नियरेस्ट, आपके स्टेट में कौन सा नियरेस्ट जोन है जहां पे क्या हो सकता है, जहां पे आप जहां से फॉर्म भर सकते हो, जहां पे चांसेस कम है, तो आप भर दो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वहां पे कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पे 0-0 भी आपको मिलेंगे, तो इस बात को आप ध्यान देना ब्लू वाले पट्टी में, रेड वाले में तो बहुत मिलेंगे लेकिन ब्लू वाले पट्टी में भी मिलेंगे। इस कारण से मैंने आपके लिए एक बेहतर और विकल्प लाया हूं। एक तो आपका ये कैटेगरी वाइज फॉर्म भरते समय आप कैटेगरी भी देखिएगा कि किस जोन से कौन सी कैटेगरी में ज्यादा है। जैसे मैं आपको यहीं पर बता दूं, सपोज करो कि आपने मुंबई जोन चूज किया, आपने क्या चाहिए मुंबई चूज किया, और हमारे कोई मान लो ओबीसी वाले भाई हैं, तो एक बार हम लोग आते हैं और मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं कि आपको अगर कैटेगरी वाइज चूज करना है तो कैसे चूज करोगे। तो हम सबसे पहले आएंगे मुंबई जोन में, और मुंबई जोन की बात करें तो कहां गया हमारा मुंबई जोन, ये हमारा क्या है मुंबई जोन। अब मुंबई जोन की बात करेंगे तो आपका पद क्या है, कौन सा पहला पद है, मान लो कोई ओबीसी वाला भाई हमारा भरना चाह रहा है, तो आप देखोगे कि क्या ओबीसी के पद यहां पे हैं। ओबीसी के 102 पद हैं टोटल 372 पदों में से, यहां पे 104 और 121, तो ओबीसी के 102 2206 ठीक ठाक पद हैं, हां आप भर सकते हो। कोई ऐसा जोन, जैसे अगर आप बोलो आप मान लो मुजफ्फरपुर मालदा में तो बहुत कम है, इसका हम एग्जांपल ले लेंगे, जम्मू श्रीनगर ले लो, तो जम्मू श्रीनगर में देखोगे तो जम्मू श्रीनगर में अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट का क्या है ओबीसी का केवल एक सीट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का केवल क्या है चार सीट है ओबीसी के लिए, तो ये जोन आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा ओबीसी वाले भाइयों के लिए। इस कारण से आप क्या करोगे, जोन का चुनाव कुछ इस प्रकार से देखते हुए चलोगे अपना कैटेगरी वाइज। तो मैंने कैटेगरी वाइज भी किसकी कहां पे वैकेंसी है ये सारा डेटा आपको मैं दे चुका हूं। ये कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज भी मैं आपको डेटा दे दिया हूं, तो ये कैटेगरी वाइज भी आप डेटा यहां पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी डेटा आप देख के इसको फॉर्म भरिएगा। बाकी एक आपके लिए बेहतर विकल्प ये है कि जैसे मैंने ये मैंने किसके लिए किया था, ये मैंने ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए किया था। अब मैं चाह रहा हूं अगर बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो आपके डिमांड पे मैं ये काम कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है बेटा, कि हर स्टेट के लिए आप किस स्टेट से हो, और आपके लिए मैं दो तीन जोन प्रेफर कर दूं कि आप इनमें से कोई भर दो। तो आप मुझे क्या करोगे, अगर चाहते हो कि मैं ये आपके लिए बना दूं, ये हालांकि ग्रेजुएशन के लिए है, ये 12 सालों के लिए नहीं है, तो बिल्कुल इसके हिसाब से मत भरिएगा, मैं इसके बिहाफ पे एक नया टेबल बना दूंगा। लेकिन जब आप डिमांड करोगे तब, अगर आप चाहते हो कि हां सर मैं इस राज्य से हूं और मुझे बना दीजिए कि किस जोन पे मैं भरूं, तो मैं इस टेबल को बनाऊंगा, वरना मैं वीडियो इसके लिए नहीं बनाऊंगा। अब आते हैं रही बात की हमें जोन चूज करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भाई हमारे लिए कौन सा कहां पे कट ऑफ ज्यादा जाता है। ये पुरानी वैकेंसीज का है, लेकिन पुरानी वैकेंसी में क्या था, पेपर का लेवल और आपके पास क्या था, आपके पास वैकेंसीज भी काफी ज्यादा थी, तो इस बार ये पुराना कट ऑफ देखना क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है वैकेंसी पे, इस कारण से इस पे बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग बताते हैं नजर मत डालिएगा। रही बात आपको सिलेक्शन के लिए केवल एक, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए केवल और केवल एक तरीका है, वो है आपकी कड़ी मेहनत। इतने कम पद में अगर आप मेहनत करने में पीछे हटते हो तो भूल जाना कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं पहले ही बता दूं बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है और इसके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करना होगा, आज से ही लगना होगा और बेहतर से बेहतर आपको रिसोर्स के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ तैयारी करना होगा। एक हमने प्रारंभ सीरीज चलाई है 7 दिन 7 क्लास, शाम को 6 बजे से क्लास चलती है, और इस क्लास में जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी नई नई तैयारी कर रहे हैं बच्चे, 12th वाले भाई भाई हैं, छोटे भाई हैं, सभी लोग को एक बहुत प्रॉपर गाइडेंस, आपको प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आपको क्वेश्चन करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कब हमें शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना है, कब हमें प्रैक्टिस करना है, इन सबको इस पूरे सेशन में 3 घंटे की मैराथन होती है, 6 बजे से 9 बजे चलती है, जिसमें मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग तीनों कवर होता है। तो ये आप क्लास अवश्य करिए। ये क्लास में आपके पेड कोर्स में, जो आपका पेड कोर्स है, मैं आपको दिखा दूं, तो ये आपके जब पेड कोर्स में जाओगे, परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, जो बच्चा पेड कोर्स में जुड़ा होगा, ये कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा, आपके ये पेड कोर्स एनटीपीसी 2.0 इसी में मैं ऐड करवा दूंगा, ताकि
जब भी आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन करो तो आप क्या करो, ये 7 दिन 7 मॉक की वाली क्लास जरूर करो, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जब आपको ये पूरा आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे हमें तैयारी करना है, फिर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन क्या करोगे, स्टार्ट करोगे लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हुए चलोगे। इसमें मैंने जैसे बता दिया पहले कि सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मतलब सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं जो आपकी तैयारी में यहां पे कुछ भी रोड़ा बने। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है तो मैं आपका सिलेक्शन करवाऊंगा, आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, लेकिन एक बात समझिएगा, मेहनत आपको भी करना होगा। जितनी मेहनत मैं और मेरी टीम करने को तैयार है आपको भी करना होगा, कदम से कदम मिला के चलना होगा, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। तो मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। कोर्स से जुड़ने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी हुई है। अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे नंबर चलने इस पर कॉल कर लीजिए। बाकी तो मैं हूं ही, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन आप डाल सकते हैं और मैं पूरा रिप्लाई दूंगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।